अब देखिए ये है इंडिया का मैप और ये है मणिपुर। मणिपुर अपनी बाउंड्री मिजोरम, असम और म्यांमार से शेयर करता है। अगर मणिपुर के मैप को एक ग्राउंड की तरह देखा जाए तो जहां ऑडियंस बैठी है वहीं पे है माउंटेन्स और बीच में जो प्लेन मैदान है और यहाँ पर है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और इस पूरे एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। तो मणिपुर इस तरीके से दिखता है। मणिपुर का 10% जो एरिया है वो वैली यानी के प्लेन मैदान है और 90% एरिया पे माउंटेन्स है। कुकी और नागा ट्राइब्स इस हिल एरिया में रहते हैं और मैथिस जो है वो प्लेन्स में रहते हैं। अब आज का ये जो मणिपुर है ईयर 1709 में ये कांगलाई पाक कहलाता था। यहाँ पे मेतेई लोग रहते थे और उनके एक राजा थे पमहिबा जो इस कांगलाई पाक यानी कि मणिपुर के राजा थे। पमहिबा खुद भी मेतेई थे लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक शांतिदास नाम के प्रीचर के टच में आते हैं और फिर ये हिंदू रिलीजन अपना लेते हैं। अब हिंदू रिलीजन अपनाने के बाद सबसे पहले तो ये कांगलाई पाक का नाम चेंज करके संस्कृत नाम मणिपुर कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम पमहिबा से चेंज करके गरीब नवाज कर देते हैं और पूरे मणिपुर का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये मणिपुर किंगडम को एक्सपैंड करने लगे थे। मणिपुर के बगल में था किंगडम ऑफ बर्मा जिसको आज की डेट में म्यांमार कहते हैं। उसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो पमहिबा ने किंगडम ऑफ बर्मा पे मल्टीपल टाइम अटैक किया और बर्मा को मणिपुर से जोड़ दिया। अब देखिए मणिपुर हो या फिर म्यांमार ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और इन सब एरिया में उस टाइम पे छोटी छोटी मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी और ट्राइब जो होती हैं वो मूव करती रहती हैं। जैसे एक जंगल के एरिया में अगर कोई ट्राइब रह रही है तो जब उस एरिया के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर वो जो ट्राइब है वो जगह चेंज कर देती है। इसलिए मणिपुर में जो ट्राइब्स हैं वो आपको मणिपुर के आसपास के जो एरिया है जैसे म्यांमार वगैरह वहां पे भी दिखेंगी। तो मणिपुर के राजा पमहिबा ने बर्मा को मणिपुर में तो मिला लिया था लेकिन 13th of December 1751 को पमहिबा की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद मणिपुर किंगडम वीक पड़ता है और इसका फायदा उठा के धीरे धीरे बर्मा मणिपुर पे कंटीन्यूअस अटैक करता रहता है और छोटे छोटे एरिया कब्जा करता रहता है। फिर ईयर 1819 में बर्मा किंगडम मणिपुर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और कई सालों तक मणिपुर में मारकाट मचती है। यही वो टाइम था जब मणिपुर से लोग भाग के मिजोरम, असम, त्रिपुरा के एरिया में चले जा रहे थे और आज भी इन एरिया में आपको कुकीज, नागा, मैतेई सब पॉपुलेशन मिलेगी। तो इसके बाद अगले 5 साल तक मणिपुर में ये सब चलता है। फिर ईयर आता है 1824। मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिशर से मदद मांगी कि बर्मा हमारे ऊपर बहुत ही मारकाट मचा रहा है और आप हमारी मदद करिए। स्ट्रेटेजिकली मणिपुर की जो लोकेशन थी वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छी थी तो ब्रिटिशर्स इस चीज के लिए मान जाते हैं और 2 साल लड़ाई के बाद यानी कि फरवरी 1826 में ब्रिटिशर्स बर्मा की आर्मी को हरा के मणिपुर से बाहर भेज देते हैं। तो ये जो टाइम था 1819 से 1826 तक का ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों ने सबसे ज्यादा मारकाट झेली। इस पर्टिकुलर टाइम को मणिपुर में कहते हैं चाही टारेट कुंटाकपा यानी कि 7 years ऑफ डेवस्टेशन। अब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर की मदद कोई चैरिटी के लिए तो करी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जो मणिपुर का राजा था उसको राजा बने रहने दिया लेकिन पूरे मणिपुर का कंट्रोल अपने पास रखा और टैक्स वगैरह जो था वो लेते रहे। ब्रिटिशर्स बेसिकली जहां भी राज करते थे वो 2 तरीके से करते थे। एक तो डायरेक्टली पूरा साम्राज्य जो था वो अपने अंडर में ले लेते थे या फिर राजा को राजा बने देते थे और खुद इनडायरेक्टली रूल करते थे जिसमें ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर्स को राजा का सलाहकार बना देते थे। इस पूरे अरेंजमेंट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता है तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिशर्स का एक रूल करने का तरीका था वो प्लेन्स में रूल करते थे और पहाड़ों को ऐसे ही छोड़ देते थे क्योंकि एक तो पहाड़ों में आर्मी को लेकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, दूसरा प्लेन्स में अंग्रेज ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते थे। तो मणिपुर के अंदर ब्रिटिशर्स ने प्लेन एरिया जो था उसको पहाड़ों से अलग कर दिया। ऐसा कोई पहाड़ों और प्लेन्स के बीच में बॉर्डर नहीं बना दिया था, बस जो ट्राइब्स थी उनको छेड़ा नहीं और वैली यानी मैदान पे ही कंट्रोल रखा। और ये जो चीज की थी ब्रिटिशर्स ने ये आगे चल के सबसे पहला रीजन बनती है आज के होने वाले मणिपुर के वायलेंस का। तो मणिपुर का ये जो हिल एरिया था इनमें बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, इन मल्टीपल ट्राइब्स को अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो मणिपुर की जो वैली थी यानी कि जो प्लेन एरिया था वहां पे मैतेई रहते थे। हिल्स में जो ट्राइब्स रहती थी वो मल्टीपल ट्राइब्स रहती थी जिसमें इस साइड की मिलती जुलती जो ट्राइब्स थी इनको पहली बार ब्रिटिशर्स ने कुकीज बोला था अकेले, जैसे कुकीज के अंदर इतनी ट्राइब्स थी। और यही सेम ट्राइब्स जो म्यांमार साइड में रहती थी वहां पे उनको चिन्स बोला जाता था। ऐसे मणिपुर के जो इस साइड के पहाड़ थे यहां पे जो ट्राइब्स रहती थी ये ज्यादातर इनके जो कानों में ये कुंडल पहनते थे तो इनको नागास बोला जाता था। तो तब से मणिपुर के अंदर 3 major groups थे, मैतेई, कुकीज और नागास। कुकीज की जो पॉपुलेशन थी वो मणिपुर के बाहर के पहाड़ों पे भी थी, ऐसे ही नागास की जो पॉपुलेशन थी वो भी मणिपुर के बाहर नागालैंड साइड पे भी थी। वहीं मैतेई की बात करें तो जब किंगडम ऑफ बर्मा ने अटैक किया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने मैतेई थे वो मिजोरम, त्रिपुरा इस साइड चले गए, तो आज भी इनकी पॉपुलेशन इन स्टेट्स में है। कुल मिला के तीनों ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ मणिपुर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट में भी पाई जाती है। ये तीनों आपस में भी बहुत डिसएग्री करते हैं कि हम पहले आए थे या फिर तुम पहले आए हो। जैसे मैतेई का कहना है कि 1891 में ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों और प्लेन्स को बस रूल करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से अलग कर दिया था, वरना चाहे मणिपुर के हिल्स हो और प्लेन्स हो दोनों हमारे एंसेस्टर्स का है। और मैतेई
कुकीज के लिए कहते हैं कि ये 18th और 19th सेंचुरी में म्यांमार से आए थे। ऐसे ही कुकीज कहते हैं ये पूरा जो रेड है ये एरिया हमारा है, यहाँ पे हमारी ट्राइब्स है और यहाँ पे हम बहुत ही पहले से रह रहे हैं। ऐसे ही नागास का कहना है कि जो ऑरेंज वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ट्राइब्स बहुत पहले से रहती है, तो ये एरिया हमारा है। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री का कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ इवेंट्स के बेसिस पे अजम्पशंस लगाए जाते हैं। अब होता क्या है कि ईयर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ब्रिटिशर्स मणिपुर से करीब 2000 सोल्जर्स लेके जाते हैं उनकी तरफ से लड़ने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कुकीज को भी ले जाने के लिए ट्राई किया क्योंकि ये लड़ने में काफी माहिर थे, लेकिन कुकीज ने ब्रिटिशर्स के साथ जाके लड़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स काफी नाखुश थे इनसे और इनके ऊपर अटैक भी कर दिया, यानी कि कुकीज के ऊपर अटैक कर दिया। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती है और कुकीज ने भी काफी नुकसान किया ब्रिटिशर्स का, लेकिन ब्रिटिशर्स कुकीज को हरा देते हैं। इस लड़ाई को एंग्लो कुकी वॉर भी कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स कुकीज से जीत तो गए थे लेकिन कुकीज को कंट्रोल करना भी आसान नहीं था और ब्रिटिशर्स ने कुकीज से डील करने के लिए इनको सोशली इंक्लूड करना शुरू किया ताकि इनको कंट्रोल करने में आसानी हो। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें कुकीज का जो एरिया था वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे। ये वो टाइम था जब कुकीज क्रिश्चियंस बने। आज भी कुकीज की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस ही हैं और मैथेइस की बात करें तो अपने राजा की वजह से उनमें हिंदूज हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है। ये वो टाइम था जब मणिपुर के लोगों को आइडिया लग गया था कि ब्रिटिशर्स अब यहां से छोड़ के जाने वाले हैं और ब्रिटिशर्स ने अनसेट कम्युनिकेशन में नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन थी उनको ये आइडिया दिया कि ये लोग अलग रहेंगे, इनका मर्जर नहीं होगा कहीं पे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिशर्स गए नहीं थे, उनके जाने की बात हो रही थी और मणिपुर के उस टाइम के राजा थे राजा बौद्ध चंद्र सिंह। मणिपुर की जनता ने राजा के ऊपर बहुत ही प्रेशर बनाया कि आप मणिपुर के लोगों के हाथ में भी पावर दीजिए, डेमोक्रेसी लाइए। तो 26 जुलाई 1947 को राजा बौद्ध चंद्र सिंह मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेके आते हैं मणिपुर के लिए। अब इसके एक महीने बाद अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स सब कुछ छोड़ के वापस चले जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स दो तरीके से राज करते थे स्टेट पे, एक डायरेक्ट खुद स्टेट पे रूल करते थे और दूसरा इनडायरेक्टली राजा के थ्रू रूल करते थे। तो जब इंडिया को आजादी मिली तो ये एग्रीमेंट हुआ कि जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जहां पर डायरेक्टली रूल नहीं करते थे यानी कि राजा के थ्रू रूल करते थे जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा जिसमें जो स्टेट होगी वो खुद रन करेगी, बस डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो होगा वो इंडिया देखेगा। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था तो यहां भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, ये उसकी कॉपी है। ये साइन करने के बाद मणिपुर का डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन सब इंडिया के कंट्रोल में आ गया। ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद राजा ने जो मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 ये जो लेके आए थे इसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया। एक्चुअली मणिपुर स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इंडिया के लिए। जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और मणिपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत कमजोर था, उससे इंडिया के अंदर दिक्कतें बढ़ सकती थी। इसलिए 1949 में जब मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह किसी काम से शिलोंग आए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया और फिर उनको तभी छोड़ा जब उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, मतलब कि इंडिया के साथ जुड़ने का एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये उस मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी है और ये उस पर्टिकुलर टाइम का आर्टिकल है। 21st of September 1949 को इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ और 15th of October 1949 को ये इंप्लीमेंट हो गया और यही वो टाइम था जिसका हवाला देके आज भी मैथीज कहते थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनको ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ था, यानी कि वो एसटी कैटेगरी में आते थे, लेकिन बाद में इनको इस कैटेगरी से हटाया गया। और मैथीज का कहना है कि हम अलग से एसटी का दर्जा आपसे नहीं मांग रहे, हम एसटी का दर्जा जो पहले था उसी को रीइंस्टेट करने के लिए कह रहे हैं। और कुकीज का कहना है कि ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ये बोलना चालू किया है, ये शुरू से ही प्रिविलेज्ड रहे हैं, ये कभी एसटी कैटेगरी में थे ही नहीं। तो मणिपुर का मर्जर होता है इंडिया के साथ और फिर मणिपुर को एक पार्ट सी स्टेट की तरह रखा जाता है। पार्ट सी स्टेट का मतलब हुआ कि एक दीवान या फिर चीफ कमीशन मणिपुर को चलाएगा। फिर उसके बाद 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और फिर उसके बाद 1972 में मणिपुर को इंडिया के अंदर पूर्ण राज का दर्जा मिल जाता है। अब मणिपुर इंडिया के अंदर पूरी तरीके से एक स्टेट बन चुका था, लेकिन 1972 से 12 साल पहले यानी कि 1960 में इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 लेके आती है, जिसमें यह था कि मणिपुर की जो वैली का एरिया था यहां के लोग हिल्स के अंदर लैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन हिल्स पे रहने वाले जो ट्राइब्स थे वो इम्फाल वैली जहां पे मैथीज रहते थे वहां पे जाके लैंड खरीद सकते थे, यानी कि पूरे मणिपुर के अंदर वो कहीं भी जमीन खरीद सकते थे। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, हिल्स और वैली में, तो इंडिया ने मणिपुर को जोड़ने के बाद मणिपुर को उसी तरीके से ट्रीट किया, हिल्स और वैली को अलग अलग तरीके से गवर्न किया। तो सबसे पहली चीज इंडिया लेके आया लैंड रिफॉर्म एक्ट मणिपुर के अंदर। इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के हिसाब से इंडिया के अंदर कौन एसटी होगा और कौन एसटी नहीं होगा ये प्रेसिडेंट के एक नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। तो किसको एसटी की लिस्ट में रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, इसके लिए 1965 में एक लॉकर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के हिसाब से पांच चीजें डिसाइड करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन एसटी होगा और कौन नहीं होगा। ये पांच क्राइटेरिया थे: प्रिमिटिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, आइसोलेशन,
इनहैबिटेशन एंड बैकवर्डनेस। लोगुर कमेटी ने किसको रखा और किसको निकाला, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसमें कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगा, हर चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। लोगुर कमेटी की रिपोर्ट में पेज नंबर 26 पे एसटी से निकालने के रीजन दिए और पेज नंबर 24 पे जिनको इंक्लूड किया उनके रीजन दिए। तो इसके बाद कुकीज जो हिल्स में रहते थे वो एसटी कैटेगरी में ही रहते हैं और मेथीज को एससी और ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया लेकिन एसटी में नहीं रखा गया। इसी तरीके से नागास को भी एसटी कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए, जब मणिपुर का मर्जर हुआ था इंडिया के साथ तो मणिपुर के अंदर कुछ ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप बने जो इंडिया के खिलाफ थे, उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे और इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर अटैक करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये मणिपुर को इंडिया से अलग करना चाहते थे। इनके नाम ये थे। इनका कहना कि इंडिया से जुड़ने से पहले मणिपुर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के इलेक्शन तक करवा लिए थे लेकिन फिर भी इनके राजा से जबरदस्ती साइन करा के मणिपुर को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया और मणिपुर का इंडिया से जुड़ना ये इलीगल है। तो ये जितने ग्रुप थे जो कह रहे थे कि मणिपुर का इंडिया से जुड़ना इलीगल है, शुरू में लार्जली इम्फॉल वैली में एक्टिव थे, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करते थे लेकिन इनमें ज्यादातर मैथीज थे। अब इसके कुछ टाइम बाद हिल्स में जो ट्राइब्स थे उन्होंने भी अपने ग्रुप्स बनाए। सबसे पहले जो नागा ट्राइब थी उन्होंने अपने इंसर्जेंट ग्रुप बनाए। नागाज ने कहा कि हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, ये सारे नागा एरियाज जो है जहां नागाज रहते हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम और म्यांमार, इन सबको जोड़ के हमें ग्रेटर नागालैंड देश बनाना है और ये लोग देश की बात कर रहे थे, स्टेट की बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, और इस ग्रुप ने हथियार उठा के म्यांमार और इंडिया गवर्नमेंट पे अटैक करना शुरू किया। अब इनका देखी देखा कुकीज ने भी अपना ग्रुप बनाया और कहा हमें भी अपना कुकी लैंड चाहिए लेकिन कुकीज ने कहा कि हमें अलग देश नहीं चाहिए, हमें इंडिया के अंदर अलग स्टेट मिल जाए जिसमें सारे कुकी ट्राइब्स हैं जो मेजोरिटी में। लेकिन धीरे धीरे ये आपस में भी लड़ने लगे क्योंकि कुकीज अपना अलग से कुकीज होमलैंड मांगते हैं। इस एरिया में जो रेड दिख रहा है कुकीज का कहना है कि ये उनका एरिया है, वहीं नागास चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बने। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये नागास क्लेम करते हैं लेकिन अगर आप दोनों मैप को देखोगे तो नागा और कुकीज का जो एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से कुकीज और नागा आपस में भी लड़ते हैं। और उधर जो मैथीज वैली में रहते हैं तो उनके केस में मैथीज वर्सेस हिल होता है जिसमें नागा और कुकीज एक हो जाते हैं। तो बेसिकली इस रीजन में तीनों के डिसएग्रीमेंट है अलग अलग चीजों को लेके। जितनी भी ट्राइब्स होती हैं इनको पॉलिसी वगैरह से उतना मतलब नहीं होता, वो बस चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो और ये सब एक साथ मिलकर रहे। अब जैसा मैंने बताया कि कुकीज और नागास का जो एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है तो इस चीज को लेके 13th ऑफ सितंबर 1993 को नागास ने कुकीज के एरिया में घुस के बहुत ज्यादा मारकाट की जिसमें 115 कुकी सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दिन को कुकीज ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई के बाद ये होने लगा कि हर ट्राइब ने अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप बना लिए थे। इन इंसर्जेंट ग्रुप को ये ट्राइब्स अपनी आर्मी मानते थे जो इनके इंटरेस्ट के लिए लड़ती थी। जैसे कुकीज की बात करें तो इनकी कुकी नेशनल आर्मी, KNA, यूनाइटेड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी, ज़ोमी रीयूनिफिकेशन फ्रंट, ऐसे ही नागास के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये आपस में लड़ते थे और फिर टाइम टू टाइम इंडिया के अगेंस्ट भी लड़ते थे। ये वो टाइम था जब इंडिया ने मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट जब किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित करती है तो वहां पे आफसा लगाती है और ऐसे में गवर्नमेंट को आफसा लगाना पड़ता है इस रीजन में। इसमें सारी चीजें मिलिट्री के हाथ में आ जाती हैं। मिलिट्री को अगर खाली शक हो तो सिर्फ शक के बेसिस पे वो किसी को मार सकता है। इस रीजन के अंदर गवर्नमेंट एक स्टेलमेट की पोजीशन में खड़ी रहती है क्योंकि हर ग्रुप की डिमांड दूसरे ग्रुप से ओवरलैप करती हैं। जैसे जैसे एक इंसर्जेंट ग्रुप से नेगोशिएशन होकर डील फाइनल होती है तो बाकी के इंसर्जेंट ग्रुप हथियार उठा लेते हैं। अकेले कुकीज के 30 इंसर्जेंट ग्रुप थे। फिर ईयर आता है 2001 और नागा आर्म ग्रुप NSCN IM के साथ साथ बाकी स्टेट के साथ भी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया। अब आपको पता ही है कि नागास जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं उसमें मणिपुर के हिल एरिया भी आता है तो इस बात से मणिपुर में जो मैथीज थे वो इनसिक्योर हो गए क्योंकि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी इंडियन गवर्नमेंट और नागास के साथ और मैथीज को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मणिपुर का हिस्सा जो नागास मांग रहे हैं वो उनको मिल जाए। और इसी डर से कुछ टाइम बाद मणिपुर के अंदर करीब 2001 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और बहुत ही बड़े स्केल पे वायलेंस हुआ, यहां तक कि मणिपुर की असेंबली जो थी उसमें तक आग लगा दी गई थी, कई लोगों को अपनी जान पड़ी थी। अच्छा, नागालैंड की जो सिचुएशन है वो मणिपुर से भी ज्यादा थ्रेटनिंग है। वहां एक गांव है खोनोमा, वहां पे एक मेमोरियल पे आज भी लिखा है नागास आर नॉट इंडियंस। अब ऐसा क्यों लिखा गया है और नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है, इसके बारे में काफी डिटेल में कुको FM की ऑडियो बुक द नागालैंड कॉन्ट्रोवर्सी में बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे इन सारी चीजों की शुरुआत हुई और क्यों ये लोग अलग देश की मांग करते हैं। आप कुको FM पर जरूर सुनिएगा इसको। कुको FM इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक
अपने निच के हिसाब से सुन सकते हैं। और मेरी ऑडियंस मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट ले सकती है। डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और पिन कमेंट में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद मैथीज और ट्राइबल्स जो थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो था वो और बढ़ गया, क्योंकि मैथीज कहने लगे कि मणिपुर में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है और ट्राइबल एरियाज में पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है, और इसके साथ साथ म्यांमार से कुकीज लोग जो है वो भी इंडिया में आके बस रहे हैं। इसके साथ साथ कुकी ग्रुप जो थे वो भी एक्टिवेट हो गए। उन्होंने भी कहा कि उनको एक ऑटोनोमस स्टेट चाहिए और उसकी मांग बहुत तेज हो गई। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनसे डील करने में गवर्नमेंट को दिक्कत ये आती है कि अगर किसी एक ग्रुप से गवर्नमेंट बात करके कोई सोल्यूशन निकाल लेती है तो बाकी स्टेट्स में जो ग्रुप है उनको लगता है कि हम भी परेशान करके अपनी बात मनवा लेंगे। तो जब भी एक ग्रुप से पीस टॉक होती है तो बाकी रीजन में और इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट आती है तो इस पे जो डिसीजन लेना होता है उसको टालती रहती है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने मणिपुर में कुकीज के ग्रुप्स को बातचीत के लिए रेडी कर लिया और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। ट्राइपार्टाइट मतलब जिसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस एग्रीमेंट में मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुकीज के जो ग्रुप्स थे इन्होंने साइन किया। और इस एग्रीमेंट का नाम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। इस एग्रीमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने कुकीज के 30 इंसर्जेंट ग्रुप में से 25 ग्रुप के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नाम का एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें टोटल 2,266 लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग से 14 कैंप बनाए और उसमें डाल दिया गया, और जो उनकी मूवमेंट थी उसी कैंप के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, और उनके जो हथियार थे एक एरिया डिसाइड करके उनको लॉक कर दिया गया, और उसकी जो एक चाबी थी वो आर्म फोर्स के पास थी और जो दूसरी चाबी थी वो कैंप के जो कुकी लीडर थे उनके पास थी। 2008 से लेकर आज की डेट तक इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर करके कुकीज के आम ग्रुप थे उनको रोका गया। गवर्नमेंट इसको हर साल एक्सटेंड करती है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इस चीज को लेके कुकीज आम ग्रुप जो है उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर आपने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो हम ये एग्रीमेंट तोड़ देंगे और कैंप्स के अंदर से हथियार उठा लेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं अभी आगे करंट सिचुएशन चल रही है उससे रिलेट करेंगी। तो 2017 तक तो कांग्रेस इसको जैसे तैसे करके हर साल टाल रही थी। इसके बाद मणिपुर के अंदर गवर्नमेंट आती है बीजेपी की। मणिपुर के अंदर ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, सिर्फ दो बार बीजेपी जीती है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस के एन बीरेन सिंह को अपने साथ मिला लिया। एन बीरेन सिंह ने कुछ एमएलएज लेके बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आगे चल के फिर वो सीएम बने। तो जो चीज कांग्रेस कर रही थी वही चीज बीजेपी ने भी की, हर साल इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया। लेकिन 2022 में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था, वो मणिपुर गए थे उस रैली में उन्होंने कहा था कि बीजेपी दोबारा अगर जीत के आई तो 5 साल के अंदर कुकीज को एक सॉल्यूशन देगी। और उस टाइम पे कुकीज और मैथीज दोनों ने वोट किया बीजेपी को और बीजेपी जीती भी और एन बीरेन सिंह सीएम बनते हैं। अब क्योंकि मणिपुर में मैथीज पॉपुलेशन ज्यादा है, 53% है, और हिल्स के लोग हैं वो कम है इनके कंपैरेटिवली, और चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह खुद भी मैथीज हैं, तो इनके ऊपर टाइम टू टाइम आरोप लगते रहते हैं कि मैथीज को सपोर्ट करते हैं। एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि इलीगल तरीके से मणिपुर के अंदर म्यांमार से लोग आ रहे हैं। इनका कहना है कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और चाइना का एक एरिया है जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार बहुत ज्यादा होता है, और मणिपुर के जो हिल्स एरिया है स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया है जहाँ पे ड्रग्स बहुत चलते हैं यहाँ पे सप्लाई करा जाता है, और इसकी वजह से मणिपुर के जो हिल्स एरिया है स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे कई सारे खतरनाक ग्रुप्स आके इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। मणिपुर की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि मणिपुर के अंदर एबनॉर्मल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करो तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 24.66% है, वहीं मणिपुर की बात करें तो वहां का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 32.46 है, और हिल एरिया में जाएं तो वहां पे पॉपुलेशन 100.18% से बढ़ रही है। ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत ही एबनॉर्मल है। वहीं मैथीज का कहना है कि 1901 में हम मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 60% थे और 2022 में हम टोटल पॉपुलेशन का 49% रह गए, और वहीं जो कुकीज हैं वो ईयर 1901 में टोटल पॉपुलेशन का 1% थे और 2022 में 29% हो गए हैं। इसके साथ साथ म्यांमार में तख्तापलट होने की वजह से सिचुएशन वहां की भी नाजुक है, और म्यांमार और मणिपुर की जो बाउंड्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहाड़ों से बनी हुई है। वहां पे इलीगली इस देश से उस देश में जाना बहुत ही आसान है और इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो ट्राइब्स हैं उनको जिस देश की सिचुएशन सही लगती है वहां पे आती जाती रहती है, उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि म्यांमार से सोना खरीद के इंडिया में बेचा जाता है। इसके साथ साथ मणिपुर के सीएम ने कहा है कि पिछले 5 साल में मणिपुर में जितने भी ड्रग ट्रैफिकर्स अरेस्ट हुए हैं उनमें से मैक्सिमम म्यांमार के कुकीचिन ट्राइब्स हैं। मणिपुर के सीएम ने यह भी एलिगेशन लगाया कि मणिपुर के अंदर पॉपी उगाने में सबसे आगे कुकी ट्राइब्स के कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो 13,121 एकड़ में अफीम उगाते हैं। लेकिन कुकीज का कहना है कि ये खुद मैथीज हैं और मणिपुर में पॉपुलेशन मैथीज की ज्यादा है, तो ये ट्राइबल्स को टारगेट करके अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। 2018 में एन बीरेन सिंह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मणिपुर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इलीगल इमिग्रेंट है। इलीगल इम्पोर्टर्स राइट नाउ देयर इज नो वन बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी सैकिंग एंड वेरीफाइंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो
पहले और अब में इनके स्टेटमेंट काफी चेंज हुए हैं। तो देखिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स वाला जो एंगल है, इसको लेके इस साल फरवरी के मंथ में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो हिल एरिया में जो कोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और चूराचंद और तेंगनोपाल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट का सर्वे करवाएगी। अब पहले क्या होता था कि कमर्शियल फायदे के लिए जंगलों को काटा जाता था, मिसयूज किया जाता था। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर। वहां कोई रह नहीं सकता और उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। और इसी चीज का हवाला देके गवर्नमेंट ने सर्वे स्टार्ट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जब यहां पहुंचते हैं तो ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ये लोग उनको भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये लोग आए थे, उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, हमें कोई प्रायर नोटिस तक नहीं दिया गया था। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि मणिपुर के जो हिल एरियाज हैं इसको आर्टिकल 371 सी के तहत एक स्पेशल स्टेटस मिला है। इस आर्टिकल के हिसाब से मणिपुर का जो हिल एरिया है, उस हिल एरिया के स्पेसिफिक एमएलए जो हैं, जो उस एरिया से जीत के आए हैं, वो एक कमेटी बनाएंगे और वही टेक केयर करेंगे वहां के वाटर, लैंड और फॉरेस्ट कल्टीवेशन को। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करके कुकीज ने यह कहा कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ इलीगल एक्टिविटी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट रुकती नहीं है, वहां पे इवेक्शन ड्राइव स्टार्ट कर दी जाती है और जो घर वगैरह होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। लोगों ने काफी विरोध किया और कहा गया कि 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो होमलेस हो गए थे। मोर देन 200 फैमिली मेंबर्स have been rendered homeless. सेम एविक्शन ड्राइव की सिचुएशन नागालैंड में भी हुई थी, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी थी कि अगर ये ड्राइव आप करोगे तो वायलेंस होगा। और इसके बाद एविक्शन ड्राइव जो थी वो नागालैंड में रोक दी गई थी, लेकिन मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नहीं रोका और कहा कि ये इसलिए किया गया क्योंकि कई गांव वाले यहां पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे। अब इसके बाद कुकी ट्राइब्स की ऑल ट्राइब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2023 में इसको लेकर एक प्रोटेस्ट किया और रैली निकाली। वहीं पे सीएम भी एक इवेंट के लिए रैली कर रहे थे और वहीं पे प्रोटेस्टर भी पहुंच गए और वायलेंस काफी बढ़ गया। और बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस और लोगों के बीच में हाथापाई होती है और इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है और 5 दिन के लिए मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि मनमोहन सिंह जी ने 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया था, जिसमें 25 कुकी इंसर्जेंसी ग्रुप थे। तो इन 25 ग्रुप में से दो ग्रुप, कुकी नेशनल आर्मी KNA और ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, गवर्नमेंट ने कहा कि जो सारा वायलेंस हुआ है इसके पीछे यही दोनों ग्रुप हैं और इन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट जो था उसको तोड़ दिया, इसलिए इन दोनों को इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और इन दोनों को निकालने के बाद ये जो पीस एग्रीमेंट था ये भी वायलेट हो गया। इसके बाद 11 अप्रैल 2023 को इम्फाल वैली के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्च जो सरकारी जमीन पे बने थे उनको अवैध बोल के तोड़ दिया गया। इस चीज से कुकीज और ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि कुकीज के जो ट्राइब है उसमें मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है। अब ये तो एक मुद्दा चल रहा था, लेकिन बात यहां भी नहीं रुकी, इसके साथ साथ एक और मुद्दा खड़ा हो गया। एक्चुअली ईयर 2012 में मैतीज अपने को एसटी का दर्जा दिलवाने के लिए मल्टीपल टाइम कोशिश कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, एसटीडीसीएम, और कंटीन्यूअसली ये लोग मेमोरेंडम बना के उस टाइम के गवर्नर और सीएम ओकरान को रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे थे कि इनको एसटी का दर्जा मिल जाए। तो इसी चीज को लेके इस साल हाई कोर्ट ने कहा कि मैतीज 2013 से मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट डाल चुके हैं एसटी का स्टेटस के लिए। तो इसी चीज को लेके हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि वो सेंटर को रिकमेंडेशन दे कि मैतेई कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में रखना है या फिर नहीं रखना, और इस पे 4 वीक में फैसला दे। और हाई कोर्ट के इस फैसले से मैतेई और कुकीज के बीच में जो पुरानी दरारें थी वो खुल जाती हैं। देखिए, मैतेई का कहना है कि हम जो वैली में रह रहे हैं ये पूरे मणिपुर का 10% एरिया है और पॉपुलेशन इनकी 53% है, यानी कि ज्यादा है। ये जो 10% वैली का एरिया है, यहां पे मैतेईज भी रहते हैं, गोरखा भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, कुकीज़ भी हैं, उनकी भी कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। अब कुकीज़ जो हैं वो पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतीज़ नहीं खरीद सकते, मैतीज़ खाली वैली में ही जाके सिमट गए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के किसी भी कोने से ट्राइबल्स आके मणिपुर के हिल्स में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने एंसेस्टर के लैंड पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। एक्चुअली इंडिया के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत एसटी कम्युनिटी से कोई भी नॉन एसटी ज़मीन नहीं खरीद सकता। मतलब कि मणिपुर के बाहर के जितने भी ट्राइब्स हैं वो मणिपुर में आके ज़मीन खरीद सकते हैं। मैतीज़ टाइम टू टाइम डेटा भी शेयर करते हैं कि 1901 में हम मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 60% थे और ईयर 2022 में हम लोग टोटल पॉपुलेशन का 49% रह गए हैं। वहीं कुकीज जो थे वो ईयर 1901 में 1% थे और ईयर 2022 में 29% हो गए। और ये जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है ये एबनॉर्मल है। इसके पीछे जो रीजन है वो म्यांमार से इलीगल माइग्रेशन है। मैतीज ने कहा कि ब्रिटिशर्स को रूल करने में आसानी हो इसलिए वैली को ही रूल किया और हिल्स को छोड़ दिया था, लेकिन हिल्स हो चाहे प्लेन्स हो, मैतीज का पूरे मणिपुर पर हक होना चाहिए, वरना हम अपनी पहचान
पहचान खो देंगे। वहीं कुकीज का कहना है कि मैतीज पूरी पॉपुलेशन का 53% तो है, ये ऑलरेडी मेजोरिटी में है, ये लोग प्लेन्स में रहते हैं तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये फाइनेंशियली भी काफी अच्छे हैं। मणिपुर की 60 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें से 20 हमारे पास हैं, बाकी की जो 40 बचती हैं वो मैतीज के पास है। ये लोग जिसको चाहते हैं उसको सीएम बनाते हैं और आज तक की डेट में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा सीएम बना है जो मैतेई कास्ट से ना हो। तो मैतेई जो है वो पॉलिटिकली भी ज्यादा पावरफुल है। कुकीज चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का भी एग्जांपल देते हैं कि कैसे 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने इसको देश का सबसे गरीब जिला घोषित कर दिया था। तो मैतेई जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अगर वो एसटी कैटेगरी में आ गए तो हमारी सारी जमीन जो है वो उनके पास चली जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि अगर पूरे मणिपुर के अंदर सारे के सारे एसटी हो जाएंगे तो एसटी कैटेगरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट कुकीज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली भी लोकूर कमेटी के हिसाब से मैतीज एसटी का जो क्राइटेरिया है उसमें फिट ही नहीं बैठते। देखिए जिस तरीके से मैतीज एसटी कैटेगरी के लिए लड़ रहे हैं वैसे ही कुकीज भी कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया के कानून में 6th शेड्यूल है, इसके हिसाब से इंडिया के अंदर हिल्स पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो वहां पे अपना एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती हैं। मतलब कि वो अपने एरिया में जहां वो ट्राइब रहता है वहां पे लैंड कल्टीवेशन इनहेरिटेंस फॉरेस्ट कस्टम ट्रेडिशन इन सबसे रिलेटेड वो खुद रूल बना सकती है, उसमें कोई बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब असम मिजोरम मेघालय और त्रिपुरा वाले हिल एरिया में तो ये लागू हो गया लेकिन मणिपुर के जो ट्राइब्स हैं उनको 6th शेड्यूल से बाहर रखा गया। तो इस चीज को लेके मणिपुर हिल्स के जो ट्राइब्स हैं उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी कि इनको भी 6th शेड्यूल में डाला जाए। इनफैक्ट अगस्त 2021 पे मणिपुर के हिल साइड ट्राइब्स के जितने भी 20 एमएलए थे उन्होंने कहा कि हमें 6th शेड्यूल में नहीं रखा गया है। तो इन्होंने क्या किया कि खुद से एक बिल बनाया जिसका नाम था मणिपुर एडीसी बिल 2021। इसमें जो इनके हिल एरिया कमेटी एचएसी और एडीसी को ज्यादा पावर देने की बात करी गई ताकि अपने ट्राइब से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हो ये लोग खुद ले सके। इसको इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजा और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो कुकीज का कहना है कि एक तो हमें 6th शेड्यूल से बाहर रखा गया, दूसरा हमने जो बिल बनाया उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और अब मैतीज को एसटी कैटेगरी में डालने की बात की जा रही है। तो इसलिए जब हाई कोर्ट का इस तरीके का ऑर्डर आया तो पूरे एरिया के अंदर हल्ला मचने लगा और गवर्नमेंट भी इस पे फंस गई। अगर मैतीज को एसटी का दर्जा मिल गया तो मणिपुर के अंदर तो इनको फायदा मिलेगा क्योंकि मैतीज ज्यादा है मणिपुर में, लेकिन बाकी आसपास के जो पहाड़ हैं स्टेट्स हैं और इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उनको गवर्नमेंट नाखुश नहीं करना चाहती क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो जो हर बार होता है वही यहां भी हुआ, डिसीजन ही नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने उल्टा हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जो आपने 4 वीक का टाइम दिया है उसको प्लीज 1 साल के लिए कर दीजिए। अब ये हाई कोर्ट का जो फैसला था इसके खिलाफ 3rd of May 2023 को चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च शुरू करती है जिसमें 80,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं जिनकी मांग थी कि मैतेईज को एसटी का दर्जा ना दिया जाए। इधर से मैतेईज ने भी रैली निकाली कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और शाम होते होते एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट जो था चूरा चंद्रपुर के अंदर उसको जला दिया जाता है। इससे दोनों ग्रुप के बीच में वायलेंस शुरू हो जाता है। वो इलाके जहां पे कुकीज कम थे मैतेईज ज्यादा थे वहां पे कुकीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो इलाके जहां पे मैतीज कम थे और कुकीज ज्यादा थे वहां पे मैतीज के साथ बहुत गलत हुआ। अब देखिए नॉर्मली जब दंगे होते हैं तो आम जनता पत्थर डंडे वगैरह ये सब उठाती है लेकिन मणिपुर की सिचुएशन एकदम अलग है। मणिपुर के अंदर ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके खुद के इंसर्जेंट ग्रुप भी हैं, इनकी खुद की आर्मी है और ये लोग भले ही गवर्नमेंट से पीस एग्रीमेंट वगैरह करके आर्म्स रख देते हैं लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सारे एग्रीमेंट तोड़ के हथियार वगैरह दोबारा से उठा लेते हैं और बाहर से ड्रग्स वगैरह का भी बिजनेस होता है तो एक से एक एडवांस वेपन का एक्सेस इनको मिलता है। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो पुलिस थी मणिपुर की उसमें से कुकी पुलिस जो थी वो अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के कुकी वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई और जो मैतेई पुलिस थी वो मैतेई वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई। इस वजह से मणिपुर की जो पुलिस थी वो डिवाइड होके कुकी की पुलिस और मैतेई की पुलिस बन गई थी और इन पे एलिगेशन लगने लगे कि ये सारी पुलिस जो है अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। पुलिस वेट करती थी और जब इंसिडेंट हो जाता था उसके बाद इन्फॉर्म करती थी ये देख के कि किस ग्रुप का विक्टिम है। इसके साथ साथ पुलिस की जो वेपन इन्वेंटरी होती है उसमें 2 फेजेस में हथियार लूटे गए। 1-3 मई को लगभग 1600 हथियार लूटे गए और 27-28 मई को 2500 से ज्यादा हथियार लूटे गए। कई ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि लूटे नहीं गए बल्कि पुलिस ने खुद ही कम्युनिटी को दे दिया ये देख के कि उनकी कम्युनिटी का बंदा है कि नहीं और वेपन इन्वेंटरी के रजिस्टर भी फाड़ दिए गए ताकि किसी की डिटेल ना ट्रेस करी जा सके। पुलिस के लिए उसका हथियार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जॉब तक की बात उस पर आ जाती है। कई लोग तो पुलिस के पास आके अपना आधार कार्ड जमा कर रहे थे कि आप हमें हथियार दे दीजिए, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम आपका हथियार आपको वापस दे देंगे। मणिपुर का वायलेंस सबसे ज्यादा तब फैला जब एक लड़की की फेक पिक्चर जिसको मार के पॉली बैग के अंदर रैप कर दिया गया था वो सर्कुलेट होने लगी। उस पिक्चर को देख के वायलेंस और ज्यादा बढ़ा और सब एक दूसरे की औरतों को टारगेट करने लगे और बाद में पता चला
चला कि वो पिक दिल्ली की थी, वो भी 2022 की पिक थी वो। इसके बाद चर्चेस, बिजनेसेस, घरों को टारगेट किया गया और लोग मणिपुर छोड़ छोड़ के भागने लगे। अभी सिचुएशन ये हो गई है, चाहे इलाके हों, चाहे घर हों, पुलिस हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, सब दो ग्रुप में बट गए और आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। शुरू के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही 60 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सिर्फ चूराचंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1700 से भी ज्यादा जीरो FIR फाइल हुई थी। नॉर्मल FIR जो होती है वो जहां पे क्राइम होता है वो वहीं पे उसी एरिया में फाइल करनी होती है, लेकिन जीरो FIR में आप किसी भी एरिया में हो, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके जीरो FIR फाइल कर सकते हैं और फिर जो आपका केस है जिस एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है उस एरिया के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मणिपुर के अंदर जीरो FIR हो तो रही थी लेकिन उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। जब इतना कुछ हो गया, दो ग्रुपों में मणिपुर डिवाइड हो गया, लोगों की जाने चली गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मिलिंद जो 2000 में केस था उसके हिसाब से जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने मणिपुर में पास किया है, ये ऑर्डर पास करने के लिए हाई कोर्ट के पास राइट्स ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के हिसाब से ये सब सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही हो सकता है कि किसको ST के लिए रिकमेंडेशन करना है और किसको नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरीके से फैक्चुअली रॉन्ग है, इसके खिलाफ इनके लिए एक्शन लेना होगा। लेकिन तब तक मणिपुर में दंगे फैल चुके थे। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की को बिना कपड़ों के परेड करवाई जाती है। आपने ऑलरेडी देखी होगी वो वीडियो। एक्चुअली 4 मई 2023 को जब दंगे हो रहे थे तो थुबूल की बस्ती में कुछ दंगाइयों ने घुस के लूटपाट मारापीटी शुरू कर दी और बगल में ही थुबूल पुलिस स्टेशन था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब भीड़ के ऊपर अटैक हुआ तो बस्ती में से 5 लोग निकल के भागते हैं और 5 में से 3 फीमेल थी और 2 मेल थे। इन 3 फीमेल में से एक औरत रिटायर सूबेदार की वाइफ थी। ये 5 लोग जंगल की तरफ भागते हैं और कहा जाता है कि वहां पे इनको पुलिस दिखती है तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन दंगाइयों की भीड़ पुलिस से छुड़ा के अपने पास ले लेती है। इन 5 में से एक औरत को लोग मार पीट के छोड़ देते हैं, बाकी जो 2 औरतों के साथ हुआ वो ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि कैसे सारी हदें पार कर दी गई थी। इन 5 में से भाई और फादर जो थे उनको मार देते हैं। 4 मई 2023 को ये सब होता है और उसके 14 दिन बाद 18 मई 2023 को उसी थुबूल पुलिस स्टेशन में लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और इसी बीच में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आते हैं लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता चल पाता, लेकिन उस टाइम पे भी ये बात बाहर नहीं आती है। लेकिन उसके 79 डेज बाद इस इंसिडेंट की वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और मोदी जी जो 80 दिन से चुप थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला था इन दंगों पे, उनको भी बोलना पड़ा। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक्शन होता है और जो लोग इसके पीछे थे उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सेम डे 4 मई को और भी लड़कियों के साथ हुआ, लेकिन एक्शन होने के लिए वीडियो का वायरल होना बहुत जरूरी था, इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। 48 घंटों तक मणिपुर गवर्नमेंट नहीं बल्कि दंगाइयों के हाथ में था पूरा का पूरा मणिपुर। चीफ मिनिस्टर से भी पूछा गया कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केस हुए इसलिए तो इंटरनेट बंद किया गया। वीडियो लीक कल ही हुआ है, वीडियो एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है। आप लोग हंड्रेड ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट इन सब चीजों को पूरी तरीके से रोकने में फेल हो गई है। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक तबके के लिए तो एकदम से खत्म हो गई है। कायदे में सीएम को रिजाइन करना चाहिए था और प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था क्योंकि वो अनसक्सेसफुल रहे इसको रोकने में। और चीफ मिनिस्टर 30 जून को रेजिग्नेशन देने जाते भी हैं लेकिन औरतों ने रेजिग्नेशन फाड़ दिया। ये देखिए कितना मुश्किल था एक रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ने से बचाना। ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया और बाद में जाके डिलीट कर दिया। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया ने ये किया। सीमा जानती है वशीकरण क्रिया, वो जादू तोड़ा और वशीकरण में काफी बाबा बोलने वाले बड़ा पर्चा एंटर्स इंडिया इन मे सदा फॉलिंग इन लव। सीमा का सबसे पहले रोमांटिक अंदाज आपको दिखा देते हैं। मैतेई का कहना है कि वो सिर्फ मैतेई पुलिस पे ही भरोसा करते हैं और किसी पे भी नहीं करते। और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि असम राइफल जो है इंडियन आर्मी वो कुकीज को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैतेई अपने इलाकों में इंडियन आर्मी को घुसने ही नहीं दे रहे, रोड को खोद दे रहे हैं ताकि आर्मी इनके इलाके में ना आए। चूराचंदपुर के सुगनू में जब आर्मी जा रही थी तो वहां पे रोड खोद दी गई थी, तो आर्मी ने लोकल पुलिस की हेल्प ली कि उनकी मदद कर दे और यहां पे कुछ सोल्यूशन निकालें ताकि वो जा सके। लेकिन सोल्यूशन निकलना तो दूर की बात, पुलिस और आर्मी आपस में ही भिड़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और आर्मी ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जून को एक कमेटी बनाई जिसको अजय लांबा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, हेड कर रहे हैं। इसमें वायलेंस कैसे हुआ, पीछे के रीजन क्या थे, स्प्रेड कैसे हुआ, ये सारी रिपोर्ट तैयार करके 6 महीने के अंदर देनी है। और 6 केसेस ऐसे हैं जिसको कॉन्स्पिरेसी टू वायलेंस के तहत में रखा गया, जिसको CBI देखेगी। 4 दिन तक अमित शाह मणिपुर में दोनों कम्युनिटी से मिले, उनका कहना था कि अब शांति रहेगी, लेकिन कोई शांति नहीं हुई, बल्कि अब ये चीज आसपास के स्टेट्स में भी फैल रही है। मिजोरम के अंदर कुकीज के जो आर्म्ड ग्रुप हैं उन्होंने मैतेई को धमकी दी है कि वो छोड़ के वहां से चले जाएं वरना अंजाम
अच्छा नहीं होगा। और जो मैतेईज हैं वो मिजोरम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहां से। सिचुएशन काफी खराब हो गई। अगर इसको ये सोच के छोड़ दिया गया कि टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे टाइम के साथ चीजें सही नहीं होती बल्कि और खराब होती है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुकू एफएम की ऑडियो बुक द नागालैंड कॉन्ट्रोवर्सी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जरूर सुनिएगा। थैंक यू।